नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि स्वागत है आपका। और अभी हम पहुंच गए मोड़िया रोड पे, जो कि एक मोटर है, मोटर हमारे भाई साहब कृष्ण जी, तो इनकी मोटर के ऊपर एक कोबरा स्नेक आ चुका है, तभी हम इसको रेस्क्यू करने का प्रयास करें। तो हमारी वीडियो में अंतर जुड़े ताकि इसके बारे में हम आपको मामजान करें इसके। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए कोबरा का बच्चा ही है, शायद ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखते हैं। बाहर की साइड थोड़ी ध्यान रखिए, ऊपर की साइड ध्यान रखिए। वो ही करेगी यहाँ। हाँ हाँ। वो सब में खतरनाक है क्या? वो खतरनाक ही है, कोबरा खतरनाक ही है। इन्हें बाहर आने के लिए क्या? इन्हें बाहर आने के लिए कोबरा है। कोबरा तो इन्हें बाहर आने के लिए खतरनाक ही है। अटैक होने वाला है वो। जिंदा नहीं कोई करेगी? निकल आ गया ऊपर ना यार। तो ये मारा क्या है? नहीं नहीं, अरे उठा, बाहर निकलो। वो बाहर ना निकलना देना तो कौन के है? जीतो मारा नहीं। देखिए दोस्तों, ये एक सेप्टिकल कोबरा का बच्चा है, देखिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी गुस्से में भी है। तो देखिए किस प्रकार ये बाइट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सांप अगर जब भी किसी इंसान को बाइट कर जाए तो आपके नज़दीकी जो भी सिविल हॉस्पिटल लगे उसके अंदर इसका ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपकी जान बचाई जा सके, क्योंकि इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर की मात्रा होती है। अभी ये छोटा बच्चा है और इसका कलर है जो ब्राउन है, तो धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा, उसी प्रकार ब्लैक कलर का होता जाएगा। तो अभी इसको मैं रेस्क्यू कर लेता हूँ सही ढंग से। काट दिए गए। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बाइट कर रहा है। एक मेरे बैग के अंदर छोटी स्टिक का वाली स्टिक, मतलब से दाना है डंडी, एक वाली बैग ही नहीं लिया मेरी। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बाइट करने का प्रयास कर रहा है, और इसके अंदर इतना ही जहर होता है जितना कि एक बड़े कोबरा सांप में। तो आप ऐसा ना सोचें कि छोटे सांप में। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने रेस्क्यू कर लिया। तो देखिए काफ़ी छोटा बच्चा है लेकिन खतरनाक, काफ़ी तेज तरार सांप है, और ऐसे सांप अगर इंसान को बाइट करे तो इंसान की मौत निश्चित है अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना की जाए तो। देखिए दोस्तों किस प्रकार ये बाइट कर रहा है, और इसके छोटे छोटे जो कि ब्रीक दांत हैं विष वाले, तो जब भी ये सांप अंडे से, तो देखिए छोटे छोटे ब्रीक दांत हैं इसके, तो इनमें से ही अपना विष छोड़ता है किसी चूहे वगैरह को, ये अपना शिकार बना लेते हैं। और देखिए इसने काफ़ी मात्रा में अपना विष भी छोड़ दिया इस तिल्ली पे। देखिए देखिए दोस्तों, अभी इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैं डिब्बे में पैक कर रहा हूँ, और हमारी वीडियो देख के आप हमारी कॉपी ना करें, क्योंकि एक एक्सपर्ट का काम है, अगर आप हमारी कॉपी करोगे तो आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने इधर पैक कर दिया, और हमारा YouTube चैनल स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि के नाम से उसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों के बारे में आपको अधिक जानकारियाँ मिल सके, और आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से इन जीवों को अधिक से अधिक जा सको। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा भाई अनुवाद। What's your name? I'm a girl.